हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित पाटकर एंड यू गाइस आर वाचिंग ट्रिपल IQ डेली फ्री टेस्ट सीरीज़ टेस्ट नंबर 15। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मिक्स्ड सीरीज़ है, जिनके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इन 20 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो में आपको सारे डाउट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन हॉर्न गैप टाइप लाइटिंग अरेस्टर द आर्क मूव्स अलोंग द हॉर्न। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड हीट ऑफ आर्क, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द हीट, ऑप्शन डी हीट ऑफ द आर्क ओनली। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्कॉट कनेक्शन आर यूज फॉर। ट्रांसफार्मर में स्कॉट कनेक्शन की बात की जा रही है गाइस। ऑप्शन ए सिंगल फेज टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी थ्री फेज टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। द प्राइमरी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में किस टाइप से कनेक्टेड होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं या फिर इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती हैं। ऑप्शन सी बोथ मैग्नेटिकली एंड इलेक्ट्रिकली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन। डीसी मशीन में जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो किस टाइप से कनेक्ट होती है। ऑप्शन ए सीरीज द विथ आर्मेचर, ऑप्शन बी सीरीज विथ मैन पोल, ऑप्शन सी पैरेलल विथ आर्मेचर, ऑप्शन डी पैरेलल विथ मैन पोल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर गेजेस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल स्ट्रेन गेजेस। ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन है ट्रांसड्यूसर पार्ट से। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एक्सीलेंट हिस्टेरेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लीस्ट सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाई फटीग लाइफ एंड स्मॉलर साइज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाई वैल्यू पोर्ट रेजिस्टेंस मतलब होता है पोटेंशियल रेजिस्टेंस लीड्स टू। इसमें पूछ रहा है कि अगर पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लो सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, लो नॉन लीनियरिटी या फिर लेस एरर। सही ऑप्शन चूज कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर सेवन, ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स मेजर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पल्स इज कॉल्ड। मीन्स किसी भी क्वांटिटी को मेजर करके जो पल्स में कन्वर्ट करता है वो किस टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग, डिजिटल या फिर पल्स। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट, सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स आर ट्रांसड्यूसर। बताना है कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं या फिर पैसिव होते हैं या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं या फिर इनवर्स ट्रांसड्यूसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, रिजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ट्रांसड्यूसर डिपेंड्स ऑन। इस क्वेश्चन में रिजोल्यूशन पूछ रहा है पोटेंशियोमीटर का। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं डायमीटर ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर या फिर एक्साइटेशन वोल्टेज। जो आपको सही लगता है गाइस उसको मार्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर टेंथ, द ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स द इनपुट सिग्नल इनटू द आउटपुट सिग्नल विच इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज खालिस्तान ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन दिए हुए हैं चार, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव, एनालॉग या फिर डिजिटल। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, अ वार मीटर इज यूज टू इंडिकेट। वार का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरनल एसी ओवरलोड्स, बी आउट ऑफ फेज वोल्टेज या फिर ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर या फिर अमाउंट ऑफ ट्रू पावर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ पावर फैक्टर मीटर इंडिकेट। कंटिन्यूस पावर, पावर डिफरेंस बिटवीन फेजेस, ऑप्शन सी द करंट इज लीडिंग और लैगिंग द वोल्टेज, ऑप्शन डी रिएक्टिव द यूजफुल पावर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द मैन ड्रॉबैक बैलेंसिंग रिकॉर्डर इज दैट। बैलेंसिंग रिकॉर्डर का ड्रॉबैक पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, देयर अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू रैपिडली चेंजिंग क्वांटिटीज इज क्वाइट लिमिटेड, लो इनपुट इम्पिडेंस, ऑप्शन सी लो इनपुट सेंसिटिविटी या फिर नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 14, वोल्टमीटर इज अ गैल्वेनोमीटर विथ, पूछ रहा है कि वोल्टमीटर किस टाइप का गैल्वेनोमीटर है, अ हाई रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी लो रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी बोथ लो एंड हाई रेसिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी अनसर्टेन रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द डिप्रिसिएशन चार्जेस आर हाई इन केस ऑफ, डिप्रिसिएशन चार्जेस की बात की जा रही है, किस पावर प्लांट में ज़्यादा होंगे, थर्मल पावर प्लांट, डीजल प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, विंड पावर प्लांट, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज जनरली, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर के लिए कौन सा पावर फैक्टर सबसे इकोनॉमिकल होगा, 0.5 लैगिंग, ऑप्शन बी 0.95 लैगिंग, ऑप्शन सी 0.4 लीडिंग, या फिर 0.75 लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ थर्मल पावर प्लांट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, थर्मल पावर प्लांट में फिक्स्ड कॉस्ट जो नहीं है उसको बताना है, ऑप्शन ए फ्यूल कॉस्ट, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, ऑप्शन सी डिप्रिसिएशन, या फिर ऑप्शन डी इंश्योरेंस चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अ लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर अ पावर प्लांट इंडिकेट्स दैट प्लांट इज, यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर लो होगा तो पावर प्लांट किस टाइप का प्लांट होगा ये आपको बताना है, ऑप्शन ए यूज्ड फॉर स्टैंड बाय पर्पस, ऑप्शन बी अंडर मेंटेनेंस, ऑप्शन सी यूज्ड फॉर बेस लोड ओनली, या फिर ऑप्शन डी यूज्ड फॉर पीक एज वेल एज बेस लोड। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन ए प्लांट कैपेसिटी, ऑप्शन बी एवरेज लोड, ऑप्शन सी पीक लोड, या फिर ऑप्शन डी के डब्ल्यू एच जनरेटेड मीन्स यूनिट जनरेटेड। 20th क्वेश्चन है, एस चार्ज मोटर कैन रन ऑन, ये एक इंडक्शन मोटर का ही टाइप है गाइस, इसमें आपको बताना है कि एस चार्ज मोटर किस स्लिप पे ऑपरेट हो सकती है, जीरो स्लिप, पॉजिटिव स्लिप, नेगेटिव स्लिप, या फिर तीनों स्लिप पे ऑपरेट हो सकती है। ये गाइस आपकी आंसर शीट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हफ्ते के आखिरी वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप इसी टाइप की टेस्ट सीरीज और चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सीरीज़ में ट्राई ये किया गया है गाइस कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया गया है, इसमें UPPCL, SSC, JEE और भी जो जूनियर इंजीनियर लेवल के अदर एग्ज़ाम्स हैं उन सारे एग्ज़ाम्स से क्वेश्चंस को लेके मिक्स किया गया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जा सके, है ना गाइस। तो आपके आंसर्स मैच करिए और कमेंट करके हमें बताइए कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं और कितने आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं। ओके गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।